नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट से जानकारी दी है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए केंद्र ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत दिल्ली में 255 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो फिलहाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी है कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र कितनी चिंतित है और उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। 200 बसें चलाई जाएंगी, ये बताया है ट्वीट करके राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी है। साथ ही उन सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें, जिस तरह से उबर कैब में जो घटना सामने आई है, बलात्कार की घटना सामने आई है, उसके बाद केंद्र हरकत में आया है। हालांकि 16 दिसंबर की घटना देश कभी भूल नहीं सकता है, किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी का खेल खेला गया था। लेकिन उसके बावजूद महिला सुरक्षा को लेकर जितनी निराशा देखने को मिली है सरकार की तरफ से, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, और उसके बाद एक से एक घटनाएं, हर दूसरे दिन घटनाएं महिला को लेकर नजर आ रही है। अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र काफी चिंतित है और ये कुछ कदम है जो केंद्र उठाने जा रहे हैं।